की सरकार खुलिया उम्मीदा से खड़ी उतर रही है तो वोटा पा दो। जे थोन लगता है कि सरकार उम्मीदा से खरा नहीं उतर रही तो इस बारी वोटा वोट पाओ ताकि उन्होंने कारण हो जाए कि लोग जो बुलाने जाते हैं लाने नहीं जाते हैं। असी तो लोगों ने वादे किए जो सपने दिखाए थे वो पूरे करिए। मेरिया मावा भैनों क्या हजार रुपया लिया करेंगे जे कोई भी तुम दिलाता तो हजार रुपया आने लग पे जे कोई भी दिलाता तो रेता सस्ता हो जाए जे कोई भी दिलाता तो कच्चे मुलाजम पक्के हो सकते हैं जे कोई भी दिलाता तो थोड़े नौजवान मुंडे शायद नौकरी लग सकते हैं नहीं किसी ने नहीं लाना पुराने पटवारी फिर पक्का कर दिता गया जिन्हें रिटायर किए कच्चे मुलाजम फिर कच्चे ही है कंध खोल जाएंगे सरकार से। अब रेते की गाली मिलती है सस्ता होया रेता बड़ी आगे दसते नहीं हूं पाके प्रभात मोटा हाँ मेरे जी लिखी जाने अंदर खाते सारे ने ठोकिया रेता सस्ता होया कि नहीं ये दस हूं महंगा हो गया कहते हो थोड़े तो बिजली आ गई है क्योंकि संगरूर जिला मुख्यमंत्री है साढ़े बिजली भी तीन घंटे आ गई भाई साहब और हरियाणे का मुख्यमंत्री 4000 रुपया सीधी बिजाई का दिता है मुख्यमंत्री 1500 का दिता है हमने खबर पढ़ रहा 10 लाख हैट्रिक लग रहा हैक्टेयर लग रहा झोना जो 74000 हैक्टेयर भी लग रहा है मुखावा बात कर रहा है थोड़ा बहुत हर चीज सोशल मीडिया पे पहुंच रहा और सिद्धू की गल करके गया गिल साहब मेरा यार सी छोटा भरा सी मैं क्या सी राजनीति नचना तुम पता होना उदे भी सरदार प्रकौर सिंह जी ने मंच पे चढ़ के क्या हालांकि मेरे खिलाफ तो कर क्या कि राजा बड़ी राजनीति कर रहा और अंतिम अरदास के समय जो धनवाद कर रहा भाई बलकौर सिंह उन्होंने कहा कि राजे बड़े ने कहा मेरे मुंडे को भी राजनीति चलाया था मैं भी कह सकता पर शौक से मैं रात भी जाके आया क्योंकि जन्मदिन से रात को 9 बजे जाके आया अज उस बाप से की बीत रही है वो बाप ही जान पूरी सिक्योरिटी लेके की तीर मारते सरदार भगवंत सिंह मान ने दुश्मन का खतरा सी सिक्योरिटी वापस ना लेंगे तो सिद्धू मूसे वाला अच साडे च जिउंदा रहिंदा उहदी मां बैठ ना पाउंदी उहदा प्यो पग ना लाउंदा ये सारी की सारी गलती सरकार की है सानू सिक्योरिटी वापस दो सानू गनमैना नू नाल रख के सोना पैंदा रोटियां खोणियां पैंदियां मैं कह रहा सरदार भगवंत सिंह मान कि सारी सिक्योरिटी सारे लोगों को वापस लो एक भी बंदा ना दो लेकिन बतौर मुख्यमंत्री तेरी जिम्मेदारी है कोई बंदा मरना नहीं चाहिए क्यों सरदार साहब बोलो भाई सहमत हो इस गल पे तुसी कहते खर्चा होंगे बिल्कुल अज उही सिक्योरिटी 1000 बंदा सरदार भगवंत सिंह मान लैके मूसे वाले मिल गए इधर मंत्री आए हैं इधर एमएलए आए हैं जेडे आम लोग सन थोड़े पिता का बिना कम करना तो होता है सरकारी गड्डी जी एमएलए को पहला सी उन्होंने ले ली कोई बंदा कोई सहूलत छड़न को तैयार नहीं है एक भुलेखा सी थोड़े मन के ये तो साढ़े नो भी ज्यादा चतुर चलाक ने इन्हों की सरकार पंजाब च आई नहीं सी पंजाब च सरकार इन्हों की आई नहीं सी ते पैसा कितों लेके आए कितों लाए झंडे कितों लाए डंडे कितों लाए मेन रोड ते फ्लैक्स बोर्ड कितों का पैसा है ही थोड़े पिता का जरा
ये पत्रकारी करता सी अपना भरा एमएलए इथों दा कितों आया समान अज साडे हालात ऐसे है साडे कोल फ्लैश लाउन पैसे नहीं है साडे उम्मीदवार इन्हां कोल तीन महीने का सार मंगया सार कितों आ रहा पैसा कौन आ रहा है कई फैक्ट्री लगी है आम आदमी पार्टी की कोई तो दे ही रहा है तो जेड़ा देगा वो काम भी देगा बोलो वो करप्शन नहीं है वो भी करप्शन है आज शराब तुम्हें एक तोहफा देता मेरे मामा पैदा शराब सस्ती करती बधाइया तो परमात्मा चढ़ी कला बख्शी अगे तो जो बंदे होंगे वो आपकी आप रोटी खा लेते सस्ती होगी वध पी के आया करके थोन खोनी भी थोन प्या करूंगी मूह चुकी थोड़ी आया आ कई तो बड़े खुश है कि बाकी गल यार दसो मैं वध छुटिया गया की होगा शराब सस्ती होगा की होगा शराब सस्ती ना बंदा कहते यार अज वो ठेके अखीरले साल लग गए तो लोग कहते भाई सस्ती हो जाए दही में पैसे बुढ़िया तो पैसे लै लेते दही में हजार के दही आप सस्ती मिली जाती है लिया ये सस्ती खजूर जी लैके आनी है गर्मी की जेड़ा बंदा वध पीऊंगा वह छेती कह जाऊंगा वो लीवर फेल होगा पहला कड़िया के घर के अंदर तंग लिया कुछ ने थोड़ा पीना वो आप फिर जो मुंडा कम पे करता जो पीता बंद दो पैक पीता ठीक है जो चार लाया करो तो फटके उन्हें तो कम नहीं होया करो ये शरीर खराब करती है लीवर फेल करती है ये तो पहाड़ा भी सस्ती पीपी पे के सारे मर जान ये मैं कला ही रह जा भाई दुध सस्ता कर दे सब्जी सस्ती कर दे दवाई सस्ती कर दे दाणा सस्तियां कर दे मैं बसा दिल्ली चलिया नहीं तुम इजाजत दो करके बंद है क्योंकि बादल दिया बसा चल दिया इंडो कनेडियन है बढ़िया और कोई पंजाब की बस एयरपोर्ट तक नहीं जाती ना सरकारी जाती हूँ किसी होने ने रोक किसी दिल्ली आए कमला भी बड़ा ऐलान करता कहते मैं ऐलान करता है कि हम दिल्ली एयरपोर्ट तक बसा जाएंगे सरकारी भाई तुसी 500 जान नहीं दी और हजाना दो ना कि यह कोई बड़ा ऐलान है और जिधर वो सरदार परमात्मा मैं प्रेस के सामने लिया एक तरफा बयान दिता है कह के वो फोलिया ला के झंडाया ला के बयान दे दिता जो कहते भी अनाउंसमेंट होगी अब जो मंत्री फड़े है सानू कहते चोर है वो साढ़े वाला तो पांच चार ही इलेक्शन लड़िया हूं फड़े है थोड़े वाला पहले इलेक्शन की फड़ गए तुम मंत्री बन गया सारी फड़ गए और भाइयों भरियो मानसो भरिया ने कहा है ये गुजरात के हिमाचल के लोगों को दसना चाहोगे देखो सी आपका मंत्री आप भी फर गया सानू वोटा पाओ एक अला सिगला का भी ज्यादा जरा करप्शन करता सी दूजे भरे मानस है पर जान बुझ के खेल खेल नहीं चाहते फिर एक मूसेवाला साहब का काम आ गया इन्होंने साधु सिंह धर्म सोत फड़ लिया साधु सिंह धर्म सोत मुंडे स्कॉलरशिप वाला वजीफे वाला मामला चलता होंगे याद है सुनो बोलो अलाम करते फाइल ही नहीं खोली उस फाइल के बच्चे कोई है ही नहीं एक होर ही मसला बना लिया कि एक बंदे की डायरी मिली है उसके 500 रुपया मंत्री को दिता सी दरख्त कटाऊंगा हो सकता थोड़ा भी किसी का नाम आ जाए मेरे कहने का मतलब तेरा मुद्दा सी उस मुद्दे की गल ही नहीं हो रही
पूछने में याद घुमाओ तो फिर मंत्री पढ़ देगा महीना ही चर्चा करते रही हो एक चर्चा में भी सरकार आएगा कख नहीं करना बिजली सस्ती हुई है छोटे रोड बनाने में आए कि नहीं आए नहीं छोटे आए कि नहीं आए साढ़े जिले च बहुत आए फिर थोड़े कंट्रोल किया होगा सस्ती बिजली करती जिले से थोड़ा सारा पिंड बनी आता है इन्हें जो खत्म कर रहे हैं एक कले किलोवाट आवे लोड आवे 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे ते कांग्रेस की कर रही थी कांग्रेस कह रही थी जिला 7 किलोवाट को थल्ले है और उन सारे उसमें बिजली जरी है वो आकर एक दे दी चन्नी साहब करके गए फायदा उस पास ज्यादा सी के 1 किलो वाले का फायदा ज्यादा तुसी वोटा नहीं पाई आम आदमी पार्टी को अब बसा का भी जरा किराया असि बुढ़िया का मुफ्त किया औरतों का बसा का किराया जरा बंद कर लगे फिर असि रौला रूला पाया सो मेरे कहन तो भाव है कि यह बदलाव नहीं है इन्होंने कन्न खुद ही रखो होका दिंदे रहो भी जागते रहो और जे तुसी इन्हां नूं जाग के रखिया तां तुहाडे नाल कीते वादे पूरे हो सकदे ते जे तुसी इन्हां नूं जागते ना रखिया तां फिर पछताओगे 5 सालां उहदा कोई फायदा नहीं होणा अज पंजाब दे अंदर इस तरह दा डर पिया कल इन्हां दे काउंसलर ने अमृतसर दे विच बंदा मारता रुपये की कीमत सी सस्ता से
आज जब पिया ने पिया नादर 75 पिए हो गया। ये इसे तरह 10 साल पंजाब के देश के हालात ऐसे रहे तो श्रीलंका बच जाएगा और पंजाब का मांडा सरकार ने 9,000 करोड़ रुपया पहली जगह अखबार के लिए तो इन्हों गलों को सुचेत थानू लोगों को रहना पड़ेगा और सानू बड़ी सोच समझ के आपकी वोट पानी पौगी। भाजपा ने बारे दसता अब भाजपा का उम्मीदवार कि आ रहा भाई एक भाजपा सरकार ने 1,000 किसान दिल्ली के बार्डर पर मर गया। 1,000 किसान भावे करोड़ वापस ले ले लेकिन 1,000 बंदा मरिया मुड़ वापस नहीं होना। मुंडे को मैं पूछा हो गया मैं मान साहब वोट पाऊंगा भाई मान साहब 1999 तुसी लोगों ने बनाया एक बार फिर मौका दिया अज तक कोई प्राप्ति दस दो खालिस्तान बनाना चाहते हो पंजाब के व्यापारी भर जाएंगे कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी कोई धंधा नहीं होगा पंजाब भुखा मर जाएगा वेले लोग एक दूजे के घरे बटा टुकी हो जाएंगे पंजाब के लिए चमन और शांति चाहिए और ऐसी सोच का व्यक्ति होना चाहिए लीडर जरा सारिया जातों के धर्मों ना लेके चल सके। अकाल तख्त के जथेदार ने कहा सू मॉडर्न हथियार लेने चाहिए और नौजवान मुंडे के तैयार हो सकते क्यों भाई सारे मुंडे ने हाथ चस्ता दे रहे बोलो भाई इन्हों सारे मॉडर्न हथियार तो मतलब ही इन्होंने पस्ताव से 1K-47 दे दौ ये नौजवान मुंडे ना समझ है उम्र छोटी है गुस्सा आता बंदे को चल जाती है आ जरा गैंगस्टर मारा है ना समझी की गल है फलावे का मुंडा मारता फलावे का मुंडा मारिया होगा उन्हों का मारता होगा उन्हों का मारता यह ना समझी की गल है मानना जी मैं तो कहना होना ही नहीं चाहिए और जिन हथियार की लड़ है उन्होंने लसेंस बन जाता है जो जिम्मेवार व्यक्ति आपकी हिफाजत वास्ते लेना चाहता उन्होंने लसेंस मिलता है। अकाल तख्त के जथेदार का यह कहना खालिस्तान के झंडे लगे ने जिसे खालिस्तान की गल बन गई 2 लाख रुपए का किला लिखा करूंगा 25 लाख का नहीं लेना भलेखे जुड़े अपने फिर हो पंजाब की है खेती प्रधान सूबा है इतने कोई होर कुदरती चीजा नहीं है होर कुदरती खतर नहीं है मैं जिमीदार है मैं गुरु ग्रंथ साहब को मानता है लेकिन मैं नहीं चाहता खालिस्तान बने ये सोच सानू कदनी पड़ेगी साडे गुरु ने सानू यह सिखाया सी जो अमृत छकाया गया आनंदपुर साहब की धरती से ना कोई जात ना कोई पात सारे खून का रंग लाल है असी सारे धर्मों का सत्कार करते सारिया जातों का सत्कार करते इंसान ने वंडिया पातिया इतने लोग फलां फलां जात है फलानी फलां जात है फलानी फलां जात है कि फ्यूडल सोच के लोगों को असी अगे नहीं लाना जो लोग दंगे करा दे लड़ाई पवा दे उन्होंने लोगों को अगे नहीं लाना असं असी चंगी सोच वाले लोगों को अगे लाना है जेडे साडे पंजाब नू अगे लेके जा सकन असी मंडियां नहीं पाउणियां कि एक कब्रिस्तान बनाउणा है एक शमशान घाट बनाउणा ना सानू ऐसा बंदा चाहिए पिंड का सरपंच भावे किसी जात का हो लेकिन पिंड सारे को एक माला के परो के रखे वो ये ना वेखे कि मैं हिंदू की मदद करनी है जे मैं हिंदू वो ये ना वेखे मैं जात है तो जात की मदद करनी वो ये ना वेखे मैं दलित है तो मैं दलित की मदद करनी फिर पिंड वधिया नहीं बन सकता अगर वो एक बंदे के पास जाएगा तो पिंड च लड़ाई हो जाएगी दुश्मनी अपने काम सच को सच कहे सरपंच का काम यह है
तो दोस्तों मेरी व्यक्ति है थोड़ा एक नौजवान मुंडा दिता जरा आम सुधारक प्रभाव का व्यक्ति जिन्हें यूनिवर्सिटी तो पॉलिटिक्स शुरू की थी जरा बाप नौकरी करता जिन्हों पांच साल पहले कांग्रेस ने टिकट की एमएलए बनाया और इस बारी मुख्यमंत्री का सामना किया मियां बीबी जी चाहे कोल प्लाजे की लड़ाई सी चाहे किसानी संघर्ष मोर्चा से दोवे मियां बीबी पैदल चल के दिल्ली गए ठीक है भाई तेल हरा ने मंडी का काम कराया आओ ऐसा नौजवान साथी लेके चलिए जरा पार्लियामेंट में थोड़ी गल कर सके भगवंत मान को दो बारी एमपी बनाता तुम मैं दस दौ कि तोहफा दिल्ली को लेके आया भगवंत मान के ना हो पिंड तू छड़ यार बाबा जी कांग्रेस पार्टी का एमपी बनिया एक टाटा हस्पताल लेके आए एक सरदारी को पीजीआई लेके आए रेल गड्डिया च बैठी भगवंत मान दसे अठा साल च की लेके आए साडा एमपी एक बारी बनिया दो चीजा लेके आए हैं हस्पताल के सिंथेटिक ट्रैक बनाए ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਉਪੀਕਾ ਨੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਚੰਦੇ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 1.80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਜਰਤ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੁੱਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਡਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਮੰਮੀ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਭੇਜੀ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ 1.80 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 6.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 6.80 ਲੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਖੰਭੇ ਰੱਖਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡਾ ਲਾਪਾ बस देखी करते कहते यार बड़ा चंगा बता इन्हें इन्ने पैसे बिता दे और भाई पोल बनाना था थमे कहते भाई के थले चाके का बना होगा फिर ये तू खंभे लाके जिगाड़ कर मैं तो फिर तुम्हें मती होगी तो सारे आवे ने कहा बेच के यार कोई आ थोड़े ना आ यार वोट को ये जाके वो पोल बनने ना देख लो ना ले थोड़ा पता लग जाए कितने पैसे बचाए ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਊ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪਊ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਪਲਾਈਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਤੂੰ ਪਰਵਾਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੀ ਭਰਾ ਕਹਾਂ ਹੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੋੜ ਲਿਆ ਧਰਨਾ ਲੋਕੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਕਿਤਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕਦੇ ਚਪਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰ ਮੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆ ਗਿਆ ਆੜਾ ਗਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਤਗੜੇ ਰਹੋ और सच्चाई पे चलो मैं कल्याण छोटा होता सी बापू जी मेरी माँ के बाप का हैरी सी मैं 6 साल का सी मैं राजनीति आप शुरू की है मेरा बाप सरपंच भी नहीं सी बादल आया ना लड़ता है और सुखबीर की लाल गहरी मई पाई है बादल दे जिले किले हैं किधर बात मेरा ते बादल का हक है जिन्हें मैं कराते दूरी है तेजवारी जितने लगातार ਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਲੜਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਾਇਆ ਦਰਿਆ ਸਈਆ ਪੋਸਟਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਨਾਨੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਲੇ ਸੀ ਕਹੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਲੱਖ ਲੜਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਾਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਹੱਥ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਲੜਿਆ ਸੀ ਟੈਂਪੀ ਦਾ ਉਹ 20,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ ਚਲ ਐਂ ਕੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੋ ਤਵੀਰ ਗੋਡੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਹੱਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਮੇਰ ਜੀ
सारे गुनाह लेके आप बीबी कलौरी तो थोड़ा खेड़ा छिड़ाता ही नहीं बधाई नहीं दी मेरे भाई हाँ नहीं बीबी ओही मूह ओही गला ओही बाता हाँ जी खेड़ा छड़ाया जे बोले जोर भी बोलो ये मतलब खुश है दबारे ले आइए कोई नौजवान साथी लिया जरा थोड़ी गल सुन सके थोड़े घर पहरा दे सके ईमानदारी का काम कर सके आम लोगों को असी मौका दे मैं तो चाहना कि मेरे अगे होर भी आम घर के नौजवानों को अगे लेके आइए ता जो उन्होंने आम लोगों का दर्द पता हो आम लोगों की गल कर सो थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम इतने आए सारिया गल् सुनिया प्यार दिता परमात्मा गुरु चल की गला रखी तंदुरुस्ती बख्शे थोड़े परिवार को तंदुरुस्ती बख्शे इन शब्दों का हाजरी प्रदान करो तो 23 तरीक को हर व्यक्ति गोदी बन के पंजे का बटन दबा के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करना और आपके वादे आम आदमी पार्टी को मनाने का काम करना और अगर तुम ये काम करता तो भगवंत मान सारे वादे पूरे करेगा चलो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।